गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑनलाइन जीके क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस क्लास वी लर्न मेन जीके क्वेश्चंस। ओके, नाउ टुडे वी विल लर्न सम न्यू क्वेश्चंस। ओके एवरीबॉडी, लिसन केयरफुली एंड गिव आंसर टू मी। सभी बच्चे क्या करेंगे, इनको ध्यान से सुनेंगे और मुझे आंसर भी करेंगे और क्या करेंगे, नोटबुक में नोट भी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, बताइए अपना नेम क्या है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना नेम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। जैसे कि माय नेम इज राम, मैंने यहाँ राम लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ अपना नेम लिखना है यहाँ पे। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज राम। और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फादर नेम। व्हाट इज योर फादर नेम, बताइए अपने पापा का नाम लिखना है यहाँ पे, क्या करना है, व्हाट इज योर फादर नेम। सभी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखेंगे, जैसे कि मिस्टर रामलाल सैनी या मीना या गुप्ता, जो भी है, ठीक है। व्हाट इज योर फादर नेम, मिस्टर रामलाल सैनी, और बाद में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। व्हाट इज योर फादर नेम, फादर नेम में सभी बच्चों को अपने अपने फादर का नेम लिखना है, सभी बच्चे अपने अपने पापा का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मदर नेम। व्हाट इज योर मदर नेम, अपनी मम्मी का नेम बताना है यहाँ पे, मदर नेम, मदर क्या होती है, मम्मा, ठीक है। तो मदर का नेम क्या लिखेंगे, मिसेस रीना गुप्ता, ठीक है। मैंने ऐसे ही लिखा है, आपको क्या करना है, अपनी मदर का नेम
girl. Who are you? I am a boy. I am a boy. और girl है तो girl. ठीक है? Boy है तो I am a boy और girl है तो I am a girl. आगे समझ? Do you understand everyone? How many brothers? How many brothers do you have? How many brothers do you have? इसका मतलब क्या है? कि आपके कितने भाई हैं? How many brothers do you have? अगर किसी का one brother है तो क्या लिखेंगे? One brother और two है तो two brothers. BROTHERS brothers. क्या होते हैं brothers? भाई. One है तो one brother. ऐसे नहीं आएगा. अगर two है तो two brothers. Three है तो three. Four है तो four. ठीक है? इसके बाद next question है. Do you have GRAND grand, PARENTS. Do you have grandparents? क्या होते हैं grandparents? Grandfather, grandmother पढ़ा था ना आपने? क्या होते हैं grandfather? दादाजी. और grandmother? दादीजी. होती है ना? तो grandmother और grandfather को हम क्या बोलते हैं? Grandparents. ठीक है? क्या बोलेंगे? Grandparents. तो do you have grandparents? कि आपके दादाजी और दादीजी हैं? है तो क्या लिखेंगे? Yes. ठीक है? अगर है तो yes और नहीं है तो no. जिनके है वो yes लिखेंगे, जिनके नहीं है वो no लिखेंगे. ये मैं आपको option में दे रही हूँ. ठीक है? And question number 10 is in which country? In which country do you? बताइए आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? बताओ आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया. INDIA इंडिया. इन विच कंट्री डू यू लिव? इंडिया. और इन विच सिटी डू यू लिव? अलवर सिटी. In which city do you live? Alwar city. And in which country do you live? We live in India. Is that clear everyone? आगे सबको समझ में? अब सभी बच्चे क्या करेंगे? 1 to 10 questions को learn करेंगे और notebook में note down करेंगे. कौन सी notebook में करेंगे? World around me की आपने एक notebook बनाई है. उसी notebook में ऊपर GK question डाल के आप उसी में ये 10 question करेंगे. Okay? आगे सबको समझ में? कहाँ करना है? वर्ल्ड अराउंड मी एक नोटबुक बनेगी. उस बुक की आपकी उस नोटबुक में आपने जब वर्ल्ड अराउंड मी का वर्क करेंगे तो उसमें वैसे ही करेंगे. और अगर जीके का वर्क करना होगा तो पेज पर ऊपर क्या मेंशन करेंगे? जीके क्वेश्चंस. ठीक है? दोनों की नोटबुक सेम बनानी है. लेकिन जब आप जीके क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ ऊपर जीके मेंशन करके पेज पर तब जीके क्वेश्चंस आपको करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आगे सबको समझ में? नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी.